नंदीश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, मैंने तेरे गले का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर तेरे गले के सारे विष को मैंने निकाल लिया, खींच लिया। सुनो नंदी, तुम्हारे नाम को लेकर नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा, एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो, जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे, नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हो उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे, धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महा दरवाजे पर आओगे, विश्वास लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आओगे तो ये मेरा विश्वास कहता है कि खाली झोली नहीं, 3 महीने में वापिस भरी हुई झोली लेकर आओ, ये निश्चित था।